गुजरात में बेरोजगारी का दर देखा जाए तो पूरे भारत में मेरे ख्याल से हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन सरकार वो आंकड़ों में दिखाती नहीं है। पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गुजरात मॉडल करके प्रख्यात किया गया, मतलब कि गुजरात में सब कुछ राम राज्य है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप धरातल पर आए तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, मेरे ख्याल से बिहार से भी पीछे है। 32,000 ऐसे स्कूलें हैं गुजरात के अंदर सरकारी, अगर उसमें से 1,606 ऐसे स्कूल है जहाँ पर एक ही शिक्षक है, तो आप खुद सोच लीजिए, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति सब कुछ अगर गुजरात से आते हैं, अगर वहाँ पर गुजरात की ऐसी हाल है तो फिर आगे क्या होगा। जब से मोदी जी गुजरात छोड़ के गए, जब तक वो थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो छोड़ के गए गुजरात, उसके बाद से गुजरात की जो शिक्षा व्यवस्था है धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। अब वो सरकार की पॉलिसी है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कक्षा 12 पास करने के बाद बीकॉम किया हुआ है, एमकॉम किया हुआ है, पीटीसी किया हुआ, बीएड किया हुआ, मैं शिक्षक बनना चाहता था। मैंने सोचा जब मैंने 2018 में पीटीसी किया तो मुझे लगा कि मतलब आने वाले वर्षों में सरकार अगर टेट टाट की परीक्षा लेगी तो परीक्षा पास करके मैं सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ। लेकिन सरकार कोरोना आ गया 2018 के बाद, सरकार ने 2023 में परीक्षा लिया। मोदी जी सपने दिखाते हैं, मतलब कि हमको विश्व गुरु बनना है, मंगल पर जाएंगे, चंद्र पर जाएंगे, तो वो पॉसिबल कब होगा? जब गांव का बच्चा, गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, कोई भी क्षेत्र में आगे जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले 20 वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद जब आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाएगा, खाली यहाँ पर लोग मजदूरी करेंगे या तो सरकार की गुलामी करेंगे। मेरा पिता फार्मर है और वो खेती करते हैं गाँव पर, और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं गांधीनगर पे पिछले 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और मैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने 3 साल BSc किया, 2 साल MSc किया, 2 साल BEd किया, और बाद में टेट टाट जो टीचर्स बनने के लिए एग्जाम आती है 2 साल उनकी प्रिपरेशन की। बाद में मेरा मेरिट भी अच्छा है, मार्क्स भी अच्छा है, मगर गुजरात सरकार की बात करूँ ना, उसकी नीति स्पष्ट है कि किसी को रोजगारी नहीं देनी चाहिए। और रोजगारी की मैं बात करूँ, कितने बेरोजगार यहाँ गुजरात पे, तो यहाँ पर मान लो 100 जगह के लिए भी फॉर्म सरकार भरने के लिए वेबसाइट ओपन करती है ना, तो 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए रेडी होते हैं। तो सरकार यहाँ पर एक योजना लाई है, मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना। उस योजना के अंदर ऐसा, अगर मतलब कि मान लो कोई 6 से 8 कक्षा पास करने के बाद अगर विद्यार्थी 9वीं कक्षा में अगर वो सरकारी स्कूल में जाएगा तो सरकार उसको 6,000 की स्कॉलरशिप देगी, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको सरकार 20,000 की स्कॉलरशिप देगी। आप समझ रहे हैं कि मतलब ये प्राइवेट स्कूलों में ढकेलने के लिए एक तरीके से देता है, उसी तरह से अगर एक योजना है। नमस्कार, मैं राजन चौधरी, आप देख रहे हैं द अमूक नायक। इस समय मैं गुजरात में हूँ, 25 लोकसभा सीटों पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पे जीते हैं, मात्र 1 लोकसभा सीट पे कांग्रेस जीती है। इस स्टेट में ऐसे कह सकते हैं फुल मेजोरिटी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यहाँ पे पूरा टोटल, और अब दूसरी बार लगातार तीसरी बार जो है हमारे देश के PM जो है शपथ ग्रहण किए हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। और यहाँ पे गुजरात में जो है, यहाँ हमारे गृह मंत्री का जो है केंद्रीय गृह मंत्री का ये गृह राज्य है, और हमारे PM का भी गृह राज्य है। और यहाँ पे ऐसे में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि गुजरात में जो युवा है, ये युवा क्या सोचता है यहाँ इस चुनाव को लेके और इन चीज़ों को लेके, और यहाँ पे बेरोजगारी का क्या जो है क्या स्थिति है। तो इसको समझने के लिए हमारे साथ दिलीप हैं, तेजस हैं, हम इनसे बात करेंगे कि यहाँ पे युवा क्या समझते हैं इस चीज़ को लेके, बेरोजगारी को लेके, और इनके मुद्दों को लेके, क्या इनके पास क्या मुद्दे हैं और क्या समस्याएं हैं, इनके बीच में क्या चल रहा है। हेलो दिलीप, तेजस, आप बताएं कि अभी जो है आप क्या सोचते हैं, आपके गुजरात में क्या चल रहा है बेरोजगारी को लेके, शिक्षा को लेके क्या चल रहा है, थोड़ा सा कुछ बताएं। गुजरात की बात कीजिए, जैसे आपने बोला कि मतलब 26 लोकसभा की सीटें, उसमें से 25 भाजपा के पास है और 1 कांग्रेस के पास है। लगातार 2014 से लेकर जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उस 2014 के चुनाव में 26 में से 26 भाजपा को आई थी, 19 में 26 में 26 भाजपा को आई थी, लेकिन इस बार लगभग 8 से 10 सीटों पर टक्कर थी आमने सामने कांग्रेस और भाजपा के बीच में। सबको लगा कि मतलब चुनाव के अंदर कुछ नहीं तो कम से कम 4 से 5 सीटें तो कांग्रेस जीत सकती, अच्छी फाइट दी थी।
लेकिन फिर भी मोदी जी का गृह राज्य है। एक चीज रोकना चाहेंगे दिलीप, कि क्या किसी पार्टी से आप जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं, हम कोई पार्टी से जुड़े हुए नहीं, एकदम न्यूट्रल व्यक्ति हैं, खाली अपने मुद्दों के लिए लड़ते हैं। ठीक है, तो आप मुझे, मैं बात करने की कोशिश करूंगा आपसे थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में, आप एजुकेशन के बारे में और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा बताएं, गुजरात के परिप्रेक्ष्य में क्या? गुजरात में बेरोजगारी का दर देखा जाए तो पूरे भारत में मेरे ख्याल से हरियाणा के बाद दूसरे नंबर पर है, लेकिन सरकार वो आंकड़ों में दिखाती नहीं है। पूरे भारत के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गुजरात मॉडल करके प्रख्यात किया गया, मतलब कि गुजरात में सब कुछ राम राज्य है, यहाँ पर कोई भी गड़बड़ी नहीं है। लेकिन अगर आप धरातल पर आए तो यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, मेरे ख्याल से बिहार से भी पीछे है, क्योंकि 1606 ऐसी स्कूल है जहाँ पर मात्र एक ही शिक्षक पढ़ा रहा है, और लगभग 32,000 ऐसे स्कूलें हैं गुजरात के अंदर सरकारी। अगर उसमें से 1606 ऐसी स्कूलें जहाँ पर एक ही शिक्षक है, तो आप खुद सोच लीजिए, मतलब कि देश के प्रधानमंत्री, गुरु मंत्री, बड़े बड़े उद्योगपति सब कुछ अगर गुजरात से आते, अगर वहाँ पर गुजरात की ऐसी हाल है तो फिर आगे क्या होगा। आपने बात किया बेरोजगारी खाली शिक्षण में नहीं, कोई भी क्षेत्र में हो, क्लास 3, क्लास 4, जीपीएससी हो, कि पुलिस लाइन हो, कि तलाटी हो, कि जूनियर क्लर्क हो, सचिवालय हो, ऐसे बहुत सारे लाइन में जब सरकार लगातार भर्ती नहीं करती है, जब भर्ती नहीं करती, जो युवा 12 पास करने के बाद सरकारी नौकरी का जो सपना देखता है, सरकार उस सपने को चकनाचूर करती है। दूसरी तरफ प्राइवेट में देखा जाए तो प्राइवेट में शोषण होता है। प्राइवेट में शोषण किस तरह से होता है, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के टाइम पे बहुत सारे लोगों की छटनी की गई, निकाला गया, तो उसका असर आज भी हमको दिख रहा है। तो जो युवा, मतलब कि जो गांव का युवा है, जो मध्यम गरीब वर्ग परिवार से आता है, उसका सपना होता है, उसके माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे आगे जाकर सरकारी नौकरी प्राप्त करे। आपने एक संख्या बताई कि इतने स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक स्कूल चला रहा है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन ये है कि अगर देखा जाए तो लगभग जब से मोदी जी गुजरात छोड़ के गए, जब तक वो थे तब तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब वो छोड़ के गए गुजरात, उसके बाद से गुजरात की जो शिक्षा व्यवस्था है धीरे धीरे नीचे आती जा रही है। अब वो सरकार की पॉलिसी है कि सरकार जानबूझकर ऐसा कर रही है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने कक्षा 12 पास करने के बाद बीकॉम किया हुआ, एमकॉम किया हुआ, पीटीसी किया हुआ, बीएड किया हुआ, मैं शिक्षक बनना चाहता था। मैंने सोचा, जब मैंने 2018 में पीटीसी किया तो मुझे लगा कि मतलब आने वाले वर्षों में सरकार अगर टेट टाट की परीक्षा लेगी तो परीक्षा पास करके मैं सरकारी शिक्षक बन सकता हूँ। लेकिन सरकार, कोरोना आ गया 2018 के बाद, सरकार ने 2023 में परीक्षा लिया। अगर जब सरकार परीक्षा नहीं लेगी, शिक्षकों की भर्ती नहीं करेगी, तो ऑब्वियसली मतलब कि शिक्षक स्कूल में जाएंगे नहीं, तो बच्चों पर उसका बुरा असर पड़ेगा। और सरकार की दूसरी पॉलिसी क्या है, अगर आप प्राइवेट स्कूलों की संख्या देखें तो सरकारी स्कूलों से कई गुना ज़्यादा है। आप कोई भी गली, कोई भी मोहल्ले में जाएं, शहर हो कि गांव हो, हर एक किलोमीटर पर एक प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगी। तो सरकार की पॉलिसी ऐसी है, सरकार क्या सोचती है, अगर मान लीजिए आज अगर 32,000 स्कूलें हैं, तो सरकार ऐसा सोच रही कि आने वाले 5 से 10 वर्षों के बाद 32,000 की जगह स्कूलें 20,000 हो जाएंगी। जब स्कूलें घट जाएंगी तो शिक्षक जो स्कूल में हमने, जो हम कायमी शिक्षक ले लेंगे, अगर उनको हमको सरकारी पगार, सरकारी सुविधा देनी पड़ेगी, तो हम कहाँ से पैसे लाएंगे। तो सरकार की मानसिकता यहाँ पर यह है कि मतलब हम धीरे धीरे सरकारी व्यवस्था को खत्म करते जाए और प्राइवेट जो शोषण वाली योजना है उसको हम धीरे धीरे आगे लेते जाए। ठीक है, जैसे आपने बताया कि जो सरकार है, सरकार की ये मंशा लगती है कि हम बढ़ावा दे रहे हैं प्राइवेट करने के लिए, कि लेकिन फिर आप बताएं कि जो मेहनतकश लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ के कहाँ जाएंगे पढ़ने फिर, क्योंकि फीस तो उनके पास उतनी होगी नहीं फिर। वो सरकार के सामने सबसे बड़ा एक प्रश्न अभी है, आप कोई भी खाली यहाँ के 5 जो बड़े शहर उनको छोड़कर आप कोई भी जिले के अंदर जाएंगे तो वहाँ की सरकारी स्कूल की व्यवस्था बहुत ही खराब है, लेकिन वहाँ के जो माता पिता मजबूरी में मतलब कि सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ा रहे, सरकार उनको भी और मजबूर कर रही है, मतलब हम आपको शिक्षा ही नहीं देंगे, स्कूल ही नहीं बनाएंगे, तो आप जाओगे कहाँ। या तो जिसके पास पैसा होगा वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा, जिसके पास पैसा नहीं होगा तो जैसे पहले नहीं पढ़ाते तो अभी भी नहीं पढ़, उनको पता है कि अगर पढ़ लिख लेगा तो कहाँ इसको नौकरी मिलने वाली। गुजरात में हम भर्तियों की भी बात करते हैं, जैसे यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर आज भी अभ्यर्थी जो है धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और वो परेशान हैं, जूझ रहे हैं लगातार। लखनऊ में उनका लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहता है। यहाँ पे बताइए थोड़ा सा, जो प्राथमिक लेवल पे जो शिक्षक भर्ती को लेके चीज़ें हैं, यहाँ पे लास्ट भर्ती कब आई थी? जैसे आपने यूपी की बात की, मतलब वहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती का मतलब अभी तक जो आरक्षण में हुआ था उसके लिए मतलब लोग धरना प्रदर्शन करते हैं, तो मैं गुजरात की बात करता हूँ, वहाँ पर 69,000 शिक्षकों की भर्ती। गुजरात में तो कभी पिछले 10 साल में खाली 1,18,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, पिछले 10 साल की बात मैं करता हूँ। अगर मैं खुद की बात करूँ, गुजरात में 2018 से लेकर 2024 तक अभी तक सरकार ने एक बार 4200,
एक बार 3300 एक बार 2600 मतलब टुकड़ों में भर्ती करती है। और गुजरात में सबसे बड़ी कितने सालों के बीच में टुकड़ों में भर्ती, 6 सालों के बीच में गुजरात में सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मतलब दूसरे स्टेट्स में क्या है कि अगर आप जब टेट टाट का एग्जाम का फॉर्म भरते तो उसमें आपको लिखा होता मतलब इतने पद के लिए शिक्षकों की भर्ती है, आप आवेदन कीजिए, आपका मेरिट आएगा, आपका तुरंत सिलेक्शन होगा। लेकिन गुजरात में उसका उल्टा है, पहले यहाँ पर सरकार एग्जाम ले लेती है, एग्जाम ले लेगी, आप पास होकर बैठ जाओ, जब सरकार को लगेगा भर्ती करने जैसा तब सरकार भर्ती करती है। दूसरी बात, सरकार आसानी से भर्ती नहीं करती है, उसके लिए भी हमको आंदोलन करना पड़ता है। जितनी भर्ती में बताया कि 4200 3300 2600 इसके लिए भी लगातार आंदोलन हुआ तो ही भर्ती हुई है। सरकार आसानी से शिक्षकों की भर्ती करती नहीं है। अगर मैं 2018 से लेकर अभी तक बात करूँ मतलब कि 3 बार भर्ती की है, साथ साथ में अगर देखा जाए तो सरकार ने विधानसभा में खुद स्वीकारा हुआ मतलब कि लगभग आज की तारीख में 44,000 से ज़्यादा शिक्षकों की घट है ये सरकार के आंकड़े के हिसाब से। अगर जो सरकार नई शिक्षा नीति के नाम पर मतलब कि पूरे भारत के अंदर देश के अंदर मतलब कि हम शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लाए, तो अगर उसके हिसाब से देखा जाए बालक और विद्यार्थी शिक्षक और विद्यार्थी को और एसईओ देखा जाए तो उसके हिसाब से लगभग पूरे गुजरात के अंदर 80,000 शिक्षकों की घट है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक। साथ साथ में जो टेट टाट पास उम्मीदवार हैं, सरकार ने टेट की परीक्षा 2018 में ली थी, उसके बाद सीधा 2023 में ली, अभी जब चुनाव आया तो उसके बाद सरकार जो गुजरात सरकार है ना उस अगर कोई भी सरकारी भर्ती उनका प्रति पता है जब चुनाव आता है तब, आप कोई भी भर्ती का रिकॉर्ड उखाड़ कर देख लीजिए जितनी भी भर्ती होगी चुनाव के या तो 6 महीने पहले, तो मोस्ट ऑफ भर्ती सब चुनाव के 6 महीने पहले ही, सभी का एडवर्टाइजमेंट चुनाव के 6 महीने पहले ही आता है। अभी यहाँ पर पुलिस की भर्ती हुई नहीं है लेकिन जैसे लोकसभा का चुनाव है उसके सीधा 1 महीने पहले उसका फॉर्म भरा लिया, अभी उसकी परीक्षा रनिंग सब कुछ बाकी है। इसी तरह से जब 2022 में चुनाव था तो टेट टाट का नोटिफिकेशन दिया, मतलब गुजरात के अंदर जब कोई भी चुनाव होगा चाहे बड़ा चुनाव चाहे छोटा चुनाव, तो सरकार युवाओं को आकर्षित करने के लिए मतलब कोई ना छोटा सा छोटा रोजगार नोटिफिकेशन दे देती है। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो सरकार पिछले 6 वर्षों से 3300 4200 2600 की भर्ती की है, लेकिन आज की तारीख में जो टेट टाट पास युवा है मतलब जिन्होंने 6 साल पहले सपना देखा था उनके सपनों का मैं अपनी बात करूं तो मैं पिछले 1 साल से यहां पर टेट टाट का आंदोलन चला रहा हूं। हमारी मांग क्या है, जब हमने परीक्षा पास की लगभग 1 लाख उम्मीदवार है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक जो एलिजिबल है मतलब अगर सरकार भर्ती करे तो कल उनको नौकरी मिल जाए, जब हमने परीक्षा पास की तो सरकार यहां पर शोषण मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट पद्धति होती है ना उस पर धीरे धीरे जा रही है, तो सरकार ने बोला कि हम ज्ञान सहायक, पहले एक प्रवासी योजना थी उसका नाम बदलकर ज्ञान सहायक लाए, ज्ञान सहायक लाए हम बोले इसमें 25,600 की भर्ती करेंगे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12। यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहेंगे, देखिए यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक जो शिक्षकों का एक वो होता था एक ग्रेड होता था उसका नाम बदल दिया गया और उसको ठेके के अंतर्गत रखा गया कि वो ठेके पे काम करेंगे। कितने दिन की ठेका का वो ठेके में देखा जाए तो जब सरकार योजना लाई तो उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि मतलब जब तक हम परमानेंट टीचर की भर्ती नहीं करते तब तक ये जो वैकल्पिक व्यवस्था है मतलब वैकल्पिक मतलब कि मान लो अगर आज एक परमानेंट टीचर नहीं है उसकी जगह पर एक दूसरे शिक्षक को देंगे जब तक वो परमानेंट टीचर आता नहीं है, तो सबको लगा कि मतलब इसमें तो पूरी तरह से शोषण है। अगर वो योजना देखी जाए तो 11 महीने के लिए मतलब 11 महीने तक आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाएगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, रिन्यू कराने के अंदर भी उसके अंदर स्कूल की समिति प्रिंसिपल सब कुछ आपका देखेंगे परफॉर्मेंस मतलब 1 साल के अंदर आपने कैसा पढ़ाया, अगर उनको लगेगा तो आपका रिन्यू करेंगे। उस योजना का सभी युवाओं ने बढ़ चढ़ कर विरोध किया, उसके लिए हम ऐसी कोई जगह नहीं बाकी क्योंकि जहाँ पर हमने अपना विरोध न बताया हो। सबसे पहले हमने शुरुआत यहाँ के जो बड़े बड़े महान आपको मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो है भर्ती में भरने के लिए एलिजिबल हैं, आपने परीक्षा पास कर ली है, अभी आप इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आए। हाँ, तो भर्ती आने के बाद भी अगर आपकी नियुक्ति हो जाती है तब भी वो भी ठेके के अंतर्गत रहेगा। हाँ, एक तरीके से। हाँ, तो ठेके के अंतर्गत होने के बाद आपको ये हमेशा ये एक मतलब एक अनिश्चितता बनी रहेगी कि पता नहीं रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, उसके बाद आगे क्या होगा? पहली बात तो हम लोगों ने उसको स्वीकारा नहीं, मैं उसमें खुद ही ज्वाइन नहीं क्योंकि मेरा शुरू से विरोध था, आज भी विरोध चालू, हम कभी भी शोषण वाली नीति का स्वीकार नहीं करते हैं। शोषण कैसे हो सकता, थोड़ा सा बताएं। शोषण इसमें ऐसा है मतलब जो एक परमानेंट टीचर और विद्यार्थी के बीच में जो लगाव होता है वो करार वाले शिक्षक के साथ नहीं हो सकता, मतलब अगर आप कोई भी प्राथमिक जो पहली क्लास का बच्चा होता है ना, अगर पहली क्लास का बच्चा अगर उसको एक शिक्षक को समझना है उसका मैं उसमें सकारात्मक पासा क्या नकारात्मक पासा क्या बच्चा किस ढंग से पढ़ना चाहता है कौन सी भाषा से पढ़ना चाहता है, तो शिक्षक को समझने में कम से कम 1 साल तो इसे लग जाते हैं। अगर कोई भी एक 11 महीने के लिए टीचर गया है जब तक वो शिक्षक को समझेगा 11 महीने बाद उसका करार रिन्यू हो कि ना हो उसको दोबारा स्कूल में रखे ना रखे तो उसका बुरा असर खाली उस बच्चों पर पड़ने वाला है। दूसरी बात, जो शिक्षक है शिक्षक को पता है कि मैं तो 11 महीने के लिए ही हूँ तो मैं पढ़ाऊँ क्या करने, तो साइड में दूसरा कुछ ना कुछ करेगा, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाएगा, दूसरी नौकरी करेगा,
क्योंकि उसको अपने भविष्य को भी चिंता है। महंगाई के जवाब में देखा जाए सरकार 21,000 24,000 26,000 पगार देती है, लेकिन इतने बड़े बड़े शहरों में 21,000 की पगार में आज तक कौन रह सकता। अगर किसी के पास फैमिली हो, किसी की शादी हुई हो, उसके खुद के बच्चे पढ़ते हो, तो कहाँ से चलेगा। तो सरकार की यहाँ पर स्पष्ट नीति है, मतलब सरकार क्या करना चाहती है, जो मैंने आपको पहले बताया सरकार ऐसा करना चाहती है यहाँ पर गुजरात के अंदर कि मतलब धीरे धीरे जो सरकारी स्कूल की व्यवस्था है ना, आप धीरे धीरे एक लेयर दो लेयर धीरे धीरे खत्म करते जाओ, और धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल प्राइवेट कॉलेज हो कि प्राइवेट संस्थाएं, उनका धीरे धीरे आप बढ़ाते जाओ। जिससे क्या होगा, जिसके पास पैसा होगा वो पढ़ेगा, जिसके पास पैसा होगा वो नहीं पढ़ेगा। ये जो भर्तियाँ हैं, परीक्षा हो गई, परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थी पास भी हो गए, अभ्यर्थी पास हो गए उसके बाद रिक्तियां भी हैं यहाँ पे, जैसा कि आपने बताया बहुत ज्यादा। कितनी रिक्तियां होंगी सरकार के हिसाब से? 44,000 से ज्यादा, एक से लेकर 12 तक रिक्तियां भी हैं यहाँ पे। रिक्तियां भी हैं, पद भी खाली हैं, और जो है पात्रता और अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी भी हैं। फिर उसको सरकार को नियुक्ति करने में क्यों समस्या हो रही है? सरकार के पास हम लगातार एक साल से इसी बात की लड़ाई आपको क्या लगता है क्यों समस्या उनको हो रही है सरकार? हम जब भी हम रजूआत लेकर आवेदन लेकर जाते हैं सरकार के पास, सरकार हमको ऐसा बोलती है कि जो ज्ञान सहायक है उसको चलने दो, हम परमानेंट टीचर की भर्ती करने वाले हैं टूक समय, मतलब कि जल्दी करेंगे। लेकिन आज तक वो जल्दी समय आया ही नहीं है। पिछले सप्ताह में जब हमने एक आंदोलन किया तो सरकार ने कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक खाली मुंह से बोला कि हम 7,500 की भर्ती आने वाले 3 महीनों में करेंगे। अगर मैं 9 से 12 की बात करूं तो लगभग 15,000 से ज़्यादा शिक्षकों की घट है। तो 7,500 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, उसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऐसा कुछ भी, मतलब कोई वेबसाइट पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं, खाली सरकार मुँह से आकर बोल दी मीडियम की हम जो आंदोलन है, मतलब आंदोलन का प्रभाव देखा जाए, सब कुछ देखा जाए, मीडिया में सब कुछ चला, उसके हिसाब से बोला कि हम आने वाले 3 महीनों के अंदर 7,500 परमानेंट टीचर की भर्ती करेंगे। साथ साथ में जो कक्षा 1 से लेकर 8 तक है तो उनकी भर्ती कब होगी, सबसे ज्यादा वैकेंसी उसी के अंदर है, तो सरकार उसकी भर्ती कब करेगी, उसके ऊपर आज तक सरकार ने कुछ भी क्लियर किया हुआ नहीं। हमारी लड़ाई अभी भी जारी है कि मतलब जितने भी पद है, अगर हम गुजरात की बात करें तो अगर देखा जाए नई शिक्षा नीति के अंदर तो सरकार मतलब बढ़ चढ़कर बोलती है, मतलब कि अगर जो सभी का मूलभूत स्तर है ना वो शिक्षा है, अगर एक समाज एक गांव एक राष्ट्र शिक्षित होगा तभी हम आगे जा सकते हैं। मोदी जी सपने दिखाते हैं, मतलब कि हमको विश्व गुरु बनना है, मंगल पर जाएंगे चंद्र पर जाएंगे, तो वो पॉसिबल कब होगा, जब गाँव का बच्चा गरीब का बच्चा पढ़ेगा लिखेगा कोई भी क्षेत्र में आगे जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले 20 वर्षों के बाद 50 वर्षों के बाद जब आप देखेंगे ना तो यहाँ पर सब कुछ शून्य हो जाएगा, खाली यहाँ पर लोग मजदूरी करेंगे या तो सरकार की गुलामी करेंगे। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, मैं फिर से दोबारा बता दे रहा हूँ, आप दोनों जो है दोनों लोग जो है गुजरात के हैं, और ये गुजरात के जो है बेरोजगारी पे और यहाँ की शिक्षा के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। थोड़ा सा ये महत्वपूर्ण इस नाते भी हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी यहाँ के इस राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और आपने बताया कि मुख्यमंत्री जब तक थे तब तक ठीक था। हाँ, तब जब तक उसमें क्या था कि जब तक वो था तब तक उनका अधिकारियों पर पकड़ होता था। अभी आप गुजरात के अंदर अगर आप किसी से भी राह चलते पूछेंगे तो ऐसा सब मुख्यमंत्री का नाम, गृह मंत्री का नाम, शिक्षा मंत्री का नाम किसी को भी नहीं पता होगा, सबका नाम मोदी को ही पता है, सबको ये बोलेंगे मोदी गुजरात को चला रहे हैं। तो मोदी अगर गुजरात को चला रहे हैं तो यहाँ के जो ये स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, फिर ये बेहतर क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी रिक्तियाँ, भर्ती तो आती, एक तो भर्ती आती नहीं है, भर्ती आती है तो फिर नियुक्तियाँ नहीं होती, बच्चे पास होके बैठे रहते हैं घर। लगभग हर साल कितने बच्चे पास आउट होते हैं? ये देखा जाए कि आपने बोला कि मतलब मोदी जी गुजरात में, गुजरात को क्यों नहीं चलाया? जो अग्निवीर योजना है तो कौन लाई? कैंसर कर लाई तरह का, अभी इसमें मतलब युवाओं का शोषण है, 4 साल के बाद वो कहाँ जाएंगे? सेम टू सेम वही चीज़ शिक्षण में यहाँ पे है, 11 महीने के लिए, वहाँ 4 साल का, यहाँ 11 महीने का है। तो जो प्रयोग गुजरात में अगर सफल होगा, अगर यहाँ पर 11 महीने का जहाँ जहाँ भाजपा शासित राज्य है आप देखना आने वाले समय में वहाँ पर भी योजना लागू की जाएगी। कहीं यहाँ पर 11 महीने का तो वहाँ पर 18 महीने कर देंगे, 2 साल का कर देंगे, योजना यही रहेगी। तो सरकार की नीति यहाँ पर स्पष्ट है, मतलब कि उनको सरकारी नौकरी देना ही नहीं है, मतलब कि जो सरकारी पद है कोई भी विभाग में, चाहे शिक्षण में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे क्लास 3 में हो, मतलब कि धीरे 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 खत्म करते जाओ और सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे करते जाओ। मतलब क्या लग रहा है आपको, ये एक प्रयोग यहाँ इस गुजरात से ये प्रयोग करते हैं कि कैसे ठेका पद्धति, कैसे चीज़ों को प्राइवेट करके यहाँ पे किया जाए ताकि सरकार का पैसा उसमें ना खर्च हो, जो पहले की व्यवस्थाएं हैं उसको पूरी तरीके से बदला जाता है? तो क्या लगता है कि ये एक तरीके से, तेजस बताइए कि प्राइवेट स्कूलों को फायदा पहुंचाने का क्या ऐसी कोई मंशा है क्या सरकार की, क्या है सरकार? आज बात करें तो बड़े बड़े उद्योगपति है,
सभी को ये सारे स्कूल जो निजी होते हैं किसके होते हैं आखिर? आखिर बात करें तो हर साल गुजरात में मैं बात करूं तो हर साल प्राइवेट ज़्यादा स्कूल को परमिशन मिली जाती है, मगर गवर्नमेंट स्कूल बना ही नहीं जाता है। बदले में क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल को बंद कैसे किया जाए उसका एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मैं आपको बताऊँ किस तरह। तो मान लो कि टीचर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए रेडी है, मान लो कोई मजदूर लोग हैं, गरीबी वर्ग के बच्चे हैं, उसको गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दे, मगर वहाँ पर टीचर की भर्ती ही नहीं करने वाले हैं। अभी मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट चल रहा है स्कूल ऑफ एक्सलेंस के नाम पे, उन्हें बताया जाता है कि 25,000 से ज़्यादा हम कंप्यूटर लैब बनाने वाले हैं, मगर 25,000 लैब बना देंगे मगर उसमें कंप्यूटर टीचर की भर्ती ही नहीं करने वाले। यहाँ पर मान लो स्पोर्ट में बात करें तो योगा के बड़े बड़े 21 जून को अब योगा दिन चला रहे हैं, मगर योग के नाम पर व्यायाम शिक्षक की भर्ती ही नहीं कर पाते। इस तरह मान लो कि भर्ती सरकार नहीं करेंगे तो पेरेंट्स क्या सोचेंगे कि मेरे बच्चे का तो अभ्यास के लिए मेरे को सरकारी शाला से उठाकर प्राइवेट में डाल देना। इस तरह सभी बच्चे सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में चले जाएंगे तो बाद में क्या होगा, सरकारी शाला में बच्चे ही नहीं होंगे तो शिक्षक की भर्ती ही नहीं करने वाले, और सभी बच्चे बड़े बड़े लोग होते हैं उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ सकते हैं, मगर छोटे लोग गरीबी वर्ग के बच्चे हैं उसको तो सरकारी शाला में पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए सरकार की मंशा क्या है, सरकार की एक स्पष्ट नीति देखा जाए तो इस तरह के है कि प्राइवेट वाले को अपने ही सगे अपने ही कोई होते हैं रिश्तेदार उसको परमिशन देते हैं प्राइवेट में, और बड़े से बड़े प्राइवेट को वो प्राइवेटाइजेशन करने वाले हैं और सरकारी शाला को ताला लगाने वाले हैं। मतलब आपके तेजस्वी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं या किसी नेता विधायक मंत्री के जो रिश्तेदार हैं और उन्होंने कोई अपना प्राइवेट निजी स्कूल खोला तो उन्हें तुरंत जो है परमिशन दे दी जाती है स्कूल खोलने की, इस नाते परमिशन दे दी जाती है ताकि उन्हें जो है वो मोटी फीस वसूल के जो है लोगों को अपने यहाँ बुलाएँ और वो शिक्षा दें ताकि फायदा उनको हो। और सर तौर पे बेरोजगार की मैं बात करूं गुजरात से तो गुजरात में जैसे एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि आप क्या करते हैं, आपके पिता क्या करते हैं? मैं मेरा पिता फार्मर है और वो खेती करते हैं गांव पर, और मैं गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए मैं गांधीनगर पे पिछले 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहा हूँ। और मैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने 3 साल BSc किया, 2 साल MSc किया, 2 साल BEd किया, और बाद में टेटटाट जो टीचर्स बनने के लिए एग्जाम आती है 2 साल उनकी प्रिपरेशन की। बाद में मेरा मेरिट भी अच्छा है, मार्क्स भी अच्छा है, मगर गुजरात सरकार की बात करूँ ना उसकी नीति स्पष्ट है कि किसी को रोजगारी नहीं देनी चाहिए। और रोजगारी की मैं बात करूँ कितने बेरोजगार यहाँ गुजरात पे, तो यहाँ पर मान लो 100 जगह के लिए भी फॉर्म सरकार भरने के लिए वेबसाइट ओपन करती है ना तो 1 लाख कैंडिडेट फॉर्म भरने के लिए रेडी होते हैं। अभी मैं बात करूँ तो फॉरेस्ट का एग्जाम चल रहा है, कम से कम 700 से 800 जगह पर फॉरेस्ट की वैकेंसी खुली है, तो उनमें 8 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया। मतलब बेरोजगारी की बात करूं तो पूरे भारतवर्ष में गुजरात है ना बेरोजगारी का घर है, अड्डा है। यहाँ पर सब जगह देखो बेरोजगारी और बड़े बड़े पोस्टरों में अपने प्रधानमंत्री है, बड़े बड़े पोस्टरों में भी बात करते हैं गुजरात मॉडल, मगर स्पष्ट ग्राउंड लेवल पर आप देखने जाएं तो गुजरात मॉडल ऐसा है ही नहीं। सिर्फ एक चीज जैसे यहाँ पे हम पूछना चाहेंगे कि गुजरात में अभी चुनाव हुए हैं लोकसभा के, 26 लोकसभा सीटों में 25 लोकसभा सीट पे अकेले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। अगर इतनी आप बता रहे हैं कि पूरे भारत में बेरोजगारी का अड्डा बता रहे हैं आप, अगर बेरोजगारी का अड्डा है तो फिर इतने मेजोरिटी में आखिर वोट तो युवा भी देते होंगे ना, तो फिर क्यों यहाँ पे जीत जाती है, क्या कारण है ये, क्या मुद्दे नहीं होते हैं क्या चुनाव में ये बेरोजगारी जीत जाते हैं? इस मतलब मान लो कि ये बड़े शहर में हम अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ मेट्रो शुरू हुआ, वो मेट्रो के नाम पर पोस्टर लगवा देते हैं, हमने गुजरात में मेट्रो शुरू की, मगर गांव में देखने जाए तो गांव पे रास्ते भी नहीं है गाड़ी चला सके ऐसे भी नहीं। और बड़ी बड़ी बात शहरों में होता है, विकास की बात करें तो ये स्कूल ऑफ एक्सेलेंस है, ज्ञान सा है कि सभी सिटी में होता है, गाँव पे देखने जाए तो 0 लेवल पर होता है। और बात करें युवाओं भी बेरोजगारी चाहिए, मगर बात करें कि कभी कभी धर्म के नाम पर वोट लेने निकले हैं कि मैंने इतने सालों में ये मंदिर बनवा दिया, तो कभी कभी गांव के लोग को क्या चलता है, हमारे स्थानिक नेताओं को कोई नहीं देखते कि हमारा सांसद कौन है, सबको ऐसा ही लगता है कि बस देश कौन चला रहे हैं, मोदी को वोट दीजिए। ऐसे गांव वाले को पूछे थे कि आपके मत विस्तार में कौन सा सांसद है, मगर किसी को पता नहीं होगा, वो एक ही बोलेगा कि हम मोदी को भेज। लेकिन गांव के लोग अगर वोट दे रहे हैं तो फिर गांव के बच्चों का फिर भविष्य, तो उनको तो अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए ना, कैसे लोग भ्रमित हो जाते हैं।
ये बड़ी बड़ी बात करते हैं भाइयों बहनों करके वो प्रवचन शुरू कर देते हैं और बड़ी बड़ी भाई ताइफा देते हैं कि मैं इतना भर्ती करवाऊंगा, इतना रोजगार दूंगा, पेट्रोल का भाव इतना कर दूंगा, राशन पानी इतना मिल जाएगा, सब सब बता दे है। इलेक्शन जब खत्म होता है 2 महीने के बाद कुछ नहीं मिलता है, एक नरी वास्तविकता है। ओके दिलीप बताइए थोड़ा सा यहाँ पे और भी चीजें मतलब क्या अभी चल रही हैं आपके यहाँ। जैसे मैं सरकारी व्यवस्था की बात करूँ, सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल अगर मैं कंपेयर करूँ, सरकार जैसे मतलब कि जो विद्यार्थी उनको शिष्यवृत्ति देती है, तो सरकार यहाँ पर एक योजना लाई है मुख्यमंत्री ज्ञान सेतु मेरिट स्कॉलरशिप योजना। उस योजना के अंदर ऐसा अगर मतलब कि मान लो कोई आठवीं कक्षा पास करने के बाद अगर विद्यार्थी 9वीं कक्षा में अगर वो सरकारी स्कूल में जाएगा तो सरकार उसको 6,000 की स्कॉलरशिप देगी, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो उसको सरकार 20,000 की स्कॉलरशिप देगी। उसी तरह से अगर कक्षा 9-10 अगर 10वीं पास करने के बाद विद्यार्थी अगर 11वीं में सरकारी स्कूल में जाएगा तो उसको 6,000 देंगे, अगर वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसको 22,000 देंगे, 12वीं पास करने के बाद अगर वो जा रहा है सरकारी में सरकारी कॉलेज में तो 7,000 देंगे, अगर वो प्राइवेट कॉलेज में रहा तो उसको 22,000 देंगे। तो सरकार की नीति यहाँ पर धीरे धीरे स्पष्ट है, हम सरकारी में अगर आप जाओगे आपको कम शिष्यवृत्ति देंगे, लेकिन आप प्राइवेट में जाओगे तो हम आपको बढ़ चढ़कर पहुंचा देंगे। प्राइवेट को क्या लगता है कि क्या वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन बेहतर होती है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी टीचर वेल क्वालिफाइड नहीं होता, कोई 12वीं पास होता है, कोई बीए वाला होता है, कोई बीएससी वाला होता है, कोई एमएससी वाला होता है, प्रॉपर बीएड वाले भी कोई नहीं होता। अगर आप कोई भी स्कूल के अंदर अगर आप सरप्राइजली विजिट करें तो आप अगर जो शिक्षक की डिग्री होती है कि आपके पास बैचलर मास्टर साथ में साथ बीएड या तो पीटीसी होना चाहिए तब आप एक शिक्षक बनने के लायक हैं। अगर आप कोई भी प्राइवेट स्कूल के अंदर जाएंगे तो लगभग 90% तो ये नहीं होगा, या तो वो 12वीं पास होगा या तो कॉलेज में होगा तो मास्टर डिग्री कर रहा होगा। तो पेरेंट्स को क्या है, पेरेंट्स के मन में ऐसी मानसिकता बैठ गई कि हमारा बच्चा जो सरकारी स्कूल में जाएगा सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, अगर वो प्राइवेट स्कूल में जाएगा तो भले मेरे को ज़्यादा फीस देना पड़ेगा लेकिन देंगे, लेकिन हम पढ़ाएंगे प्राइवेट में सरकारी में पढ़ाएंगे नहीं। तो इसका जो सबसे बड़ा मूल कारण है वो सरकार है, क्योंकि सरकार शिक्षकों को उस तरह से सुविधा दे ही नहीं पा रही स्कूल के अंदर, मतलब कि पूरे प्रमाण में मतलब कि शिक्षकों की पूरी संख्या हो, साथ साथ में वहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं विद्यालय के अंदर वो होनी चाहिए, साथ साथ में अगर देखा जाए तो जो सरकारी शिक्षक होता है ना उसको पढ़ाने को स्वतंत्र रूप से मौका मिलता ही नहीं, उसके ऊपर बहुत सारे दूसरे काम थोपे जाते हैं। मैं गुजरात की बात करूँ तो गुजरात के अंदर अगर कोई भी सरकारी शिक्षक अगर वो 6 घंटे पढ़ाते हैं, 6 घंटे में से 4 घंटे कम से कम वो दूसरा सरकार का काम करता है कि मतलब आज कितने विद्यार्थी आए, कितने लोगों ने खाना खाया, कितने लोगों ने खाना नहीं खाया, कौन सा बच्चा क्या कर रहा है, खाली उसको फॉर्म भरने में। दूसरे घर कोई सरकार की योजना आ गई तो जाओ सर्वे कर कर आओ, जब तीड़ भगा कर आओ, कितने लोग मरे कितने लोग जिए उसका आंकड़ा लेकर आओ, मतलब कि उसको पढ़ाने का मौका कम, दूसरे काम उससे ज्यादा करवाए जाते हैं। चुनाव के अंदर हो गया अभी जब यहाँ कर ये तब कराए जाते हैं, ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि ये काम सारे तब कराए जाते हैं शिक्षण के अलावा भी जब वहाँ पे ऑलरेडी जो है एक 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 स्कूल सिर्फ एक शिक्षक चला रहा है। ऐसी स्थिति में अब खुद सोचिए मतलब कि 1600 ऐसे स्कूलें हैं जिसमें सरकार ने खुद ही बोला है मतलब कि एक शिक्षक से चल रही है, अगर एक ही शिक्षक है तो कक्षा 1 में क्या पढ़ाएगा, कक्षा 2 कक्षा 3 कक्षा 4 1600 स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक मात्र एक शिक्षक उसको चला रहा है। और दूसरी बात जब भी गुजरात की स्थिति है, जब भी यहाँ पर कोई भी बड़े नेता का प्रोग्राम होता है जैसे मोदी जी आए, अमित शाह जी आया, तो राष्ट्रपति जी कोई भी आता है तो शिक्षकों के ऊपर बोला जाता है, मतलब कि सरकारी स्कूल के शिक्षक को बुलाया जाता है। अभी दो दिन पहले जब योगा दिवस था, आज से 5-6 दिन पहले अमित शाह जी का प्रोग्राम था गांधी के अंदर, अहमदाबाद की जितनी सरकारी स्कूलें हैं सभी शिक्षकों को उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया गया था। तो इसका क्या मतलब है, जो बच्चा पढ़ने आ रहा है तो अगर उसके जो शिक्षक आपके सरकारी प्रोग्राम में जाएंगे तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो सरकार से मेरा यहाँ पर ये सवाल है कि अगर जो शिक्षक है उसको खाली आप पढ़ाने का मौका, मतलब कि तुमको खाली पढ़ाना ही है, अगर आप स्कूल के अंदर 6 घंटे आ रहे हैं 6 घंटे आप खाली अपना ध्यान पढ़ाने में दीजिए। जब वो शिक्षक पूरी तरह से पढ़ाएगा, जब वहाँ से कोई भी बच्चा अच्छा पढ़ के निकलेगा तो समाज में एक इसका उद्देश्य है, मतलब कि इस स्कूल के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है, यहाँ से पढ़ने के बाद बच्चे अच्छे स्कूल में जाते हैं, अच्छे मार्क्स से पास होते हैं और उनका भविष्य उज्ज्वल होता है। तो जो लोग जो प्राइवेट स्कूल में धीरे धीरे अपने बच्चों को डाल रहे हैं तो दूसरी तरफ सरकारी स्कूल में ले जाएंगे, लेकिन सरकार की नीति यहाँ पर स्पष्ट मतलब कि उनको सरकारी व्यवस्था खत्म कर देता है। मैं सभी मुद्दों का सारांश एक ही है कि धीरे धीरे आने वाले 5 वर्षों में 10 वर्षों में जितनी भी सरकारी सुविधाएं हैं धीरे धीरे खत्म कर देना है। ये गुजरात में जो पिछली सरकारों ने यहाँ पे जो जो सरकारी स्कूल थे, विद्यालय थे, कॉलेज थे जो यहाँ पे बनाई गई,
अब जो स्थितियां बदली हैं, जो पढ़ाने वाले शिक्षकों को जिस तरीके से भर्ती नहीं हो रही है स्कूलों में, एक एक स्कूल में सिर्फ एक शिक्षक स्कूल चला रहा है, तो क्या लगता है कि आप भी पढ़े हैं यहाँ से, यहाँ बड़े हुए हैं, और अभी आप शिक्षा में, आप नौकरी के लिए आप लोग संघर्ष कर रहे हैं दोनों लोग, आप क्या सोचते हैं कि सरकारी चीज़ें, जो सरकारी संस्थान थे, सरकारी स्कूल थे, उनको रहना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, उनके बचाने की लड़ाई में लोगों को साथ आना चाहिए, क्या लगता है कि जो निजी स्कूल हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए? मैं तो खाली गुजरात नहीं, पूरे देश के लोगों से अपील करता हूँ कि मतलब आप धीरे धीरे जागरूक हुई है, मतलब कि जिसके पास पैसा है वो तो कुछ भी करके, यहाँ नहीं तो विदेश में पढ़ाई कर लेगा, लेकिन जो हमको पता है कि मतलब कि भारत की आधी आबादी गांव में बसती है, मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, जो गरीब है या तो मध्यम वर्ग है, जब उनके पास पैसा नहीं होगा उनके बच्चे आने वाले भविष्य में कहाँ पढ़ेंगे? अगर उसके लिए अभी से जागरूक नहीं होंगे, सरकार के खिलाफ या तो सरकार से प्रश्न नहीं करेंगे, आप कोई भी स्टेट देख लीजिए, जहाँ पर जहाँ कोई भी सरकार हो, ज़्यादातर मतलब कि भाजपा का शासन है कोई भी स्टेट में, मतलब कि हर जगह एक प्रश्न तो रहा है शिक्षक भर्ती को लेकर, मतलब कि शिक्षण से जुड़ा हुआ मुद्दा तो हर राज्य के अंदर है, आप कोई भी राज्य के अंदर उठा के देख लीजिए। तो सरकार की नीति मुझे भी समझ में, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, या तो सरकार को प्राइवेट करना है, मतलब कि धीरे धीरे प्राइवेट करते जाओ, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा, जिसको नहीं पढ़ना होगा तो नहीं पढ़ेगा, बस उनको खाली हमको 5 साल के अंदर। लेकिन दिलीप, जब प्राइवेट हो जाएगी तो प्राइवेट में फीस अधिक लगेगी, तो फिर जो मध्यम वर्ग से आते हैं, जो मतलब शोषित तबके से आते हैं, जिनके पास उतने फीस देने के लिए वो चीज़ें नहीं है व्यवस्था, वो कैसे उनके बच्चे पढ़ेंगे? फिर वो तो हमेशा उसी उसमें रह जाएंगे ना फिर वो। हाँ, तो सरकार तो यही तो करना चाहती है। सरकार क्या करना चाहती है, जैसे पहले हम अंग्रेजों के गुलाम थे, अभी हम सरकार के गुलाम हैं। जो पढ़ेगा वो आवाज़ उठाएगा, जैसे हम आज हम पढ़े लिखे हैं तो अपने हक और अधिकार के लड़ रहे, अपनी आवाज़ उठा रहे। सरकार को पता है अगर सबके सब पढ़ लिख लेंगे, सब आगे जाकर हमसे नौकरी मांगेंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? उससे अच्छा इनको अभी से धीरे धीरे पढ़ाना लिखाना बंद कर दो, आने वाले 20 वर्षों के बाद 30 वर्षों के बाद खाली जब अनपढ़ रहेंगे या तो पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, तो सरकार जो बोलेगी उसको मानेंगे, चाहे वो धर्म के नाम पर भड़काएं, चाहे जाति के नाम पर भड़काएं, चाहे अंदर अंदर झगड़ाएं, बस खाली 5 साल के अंदर एक बार हम बोलेंगे कि ये बटन दबाना, जाकर वो बटन दबाकर चले आएंगे, क्योंकि वो पढ़े लिखे तो होंगे ही नहीं, कि उनको अपने मुद्दों के बारे में रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, तो जब उनको कुछ भी अपने बारे में नहीं पता होगा तो सरकार जो बोलेगी, जैसा बोलेंगे वैसे ही करने वाले हैं। अच्छा, आप यूथ हैं, जो गुजरात में जो पॉलिटिक्स है अभी बीते 10 सालों में मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रभुत्व रहा है यहाँ पे इस स्टेट में, तो क्या लोगों में, लेकिन ये अभी भी चीज़ें होती हैं, क्या कट्टरता ये धर्म को लेके होता है युवाओं में, क्या आपका? नहीं, गुजरात के अंदर सब कुछ तो है, लेकिन जो गुजरात की जनता है उसको जहाँ तक मैं जानता हूँ, मतलब वो लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट मतलब कैसे, चलो ठीक है, जो चल रहा है चलने दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इनको वोट देना है। जैसे 2022 का चुनाव हुआ, गुजरात की कौन सी जनता, ये शहरों की जनता, गांव की जनता, सभी जनता ये सोचती मोदी है ना तो कर लेंगे, ठीक है मोदी को वोट देना है। अभी अगर मैं बात करूँ 2022 का जब विधानसभा का चुनाव था, तो ठीक 2 दिन पहले गुजरात के अंदर लगभग गांधीनगर नगर के अंदर सत्याग्रह छावनी में 55 आंदोलन एक साथ चल रहे थे। कितने? 55 आंदोलन। अगर आप खुद विचार कीजिए, अगर 55 आंदोलन सरकार के खिलाफ चल रहा है तो सरकार वापस आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन फिर भी चुनाव हुआ और 156 सीट आई, मतलब 182 में से 156 फुल मेजोरिटी के साथ। तो आप खुद जान सकते हैं गुजरात की जनता कितना जागरूक है, कितना सोचती है कि आने वाले भविष्य के बारे में, हमारे साथ क्या होने वाला है। जो जनता है ना खाली ऐसा सोचती है मतलब ठीक है चलो कोई बात नहीं है ना, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन चुनाव, लेकिन विश्वास करके हर बार वोट तो उनको ही देते हैं, वोट उनको दे देती है इस आशा में, इस उम्मीद में, हाँ, अब कुछ बेहतर होगा, लेकिन फिर मिलता कुछ नहीं है। दूसरी बात देखा जाए तो सरकार जो है ना, मतलब कि लोगों को भड़काती कैसे, मतलब जो 5 बड़े बड़े शहर हैं तो लोगों को ऐसा बताया कि यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पे भी ऐसे ही करने वाले, तो लोग क्या है कि मतलब कुछ समय के लिए सब कुछ मुद्दे भूल जाते हैं। तो जब जिस दिन वोट होता मतलब जाकर उनके माइंड में कुछ हो कि ना हो, वो जाकर सीधा कमल की बटन दबाकर आ जाते हैं। तो ये थे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, अगर मोदी साहब से मैं प्रश्न ये करना चाहता हूँ, अगर अग्निवीर है और 4 साल की है कॉन्ट्रैक्ट वाली, और ज्ञान सहाय गुजरात में जो शिक्षक के लिए आई है 11 महीने की, अगर इतनी बड़ी अच्छी योजना है, अपनी पॉलिसी इतनी भी अच्छी है, तो मैं तो बोलता हूँ मोदी साहब आप भी 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर आ जाइए। MLA है वो, MP है वो, सभी पद को 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर लाना चाहिए ना, इतनी बड़ी अच्छी योजनाएं होती है, तो क्यों आप लोग अपना
बोलते हैं ना वो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, इस तरह का ही ये सरकार की नीति है। अपना काम सेट होना जाए, बाकी लोगों का कुछ भी हो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट वाली कोई हो, अग्निवीर हो, ज्ञान सहायक हो, इतनी भी बड़ी हो तो अपने पद पर भी 11 महीने कॉन्ट्रैक्ट पर लाए तो बाद में हम भी ये स्वीकार करने के लिए रेडी है, मगर ये तो ये करने नहीं वाले। दूसरी बात, मैं यहाँ पर एक जो गुजरात मॉडल बताया जाता है तो मैं पूरे गुजरात के युवाओं की तरफ से बात करना चाहता हूँ कि मतलब जो गुजरात के युवा हैं ना, लगभग यहाँ पे देखा जाए तो पेपर लीक आपने सुना होगा अभी, मतलब कि वर्तमान सबसे बड़ा मुद्दा पेपर लीक का ही है। तो 2014 से लेकर 2023 तक गुजरात के अंदर लगभग 24 पेपर लीक हुए थे। कितने? 24, पूरे देश में पहले नंबर पर था। तो उसके अंदर पुलिस शिक्षक से लेकर कक्षा 12 तक का पेपर लीक हुआ, मतलब कि हर विभाग में पेपर लीक हुआ था, मतलब पूरी सरकारी लीक हो गई थी। जब सरकार ने कानून लाया, मतलब अगर अब पेपर लीक होगा तो करोड़ रुपए का दंड और 10 साल की सजा होगी, तब जाकर अभी थोड़ा उस पर कंट्रोल आया हुआ है। वो भी किसके कारण? क्योंकि ऐसे ईमानदार अधिकारी उस विभाग में आए हुए जिनके कारण मतलब कि लोगों को डर लगता है अगर पेपर लीक करेंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है, इस कारण से। दूसरी बात, अगर देखा जाए गुजरात के अंदर बेरोजगारी तो बहुत ही ज़्यादा है। आप कोई भी विभाग में उठा के देख लीजिए, यहाँ पर प्रोफेसर की लगभग 10-15 सालों से भर्ती नहीं, भाई ने किया कंप्यूटर शिक्षक। यहाँ पर देखा होगा तो सरकार बड़े बड़े वादे करती है डिजिटल इंडिया, डिजिटल गुजरात, तो लगभग 12 वर्षों से कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती नहीं है। पूरे गुजरात के अंदर खाली 141 स्कूल ऐसी है जहाँ पर खाली कंप्यूटर शिक्षक हैं। दूसरी बात, संगीत शिक्षक की भर्ती नहीं होती, यहाँ पर लाइब्रेरियन की भर्ती नहीं होती। यहाँ पर जो मोदी जी बोलते हैं मतलब कि योग करो स्वस्थ रहो, तो व्यायाम शिक्षक की भर्ती लगभग 12 वर्षों से नहीं हुई है। जब यहाँ पे जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं अगर हम वो चीज़ सरकार जो जनता है, जो पब्लिक है, जो विद्यार्थी पढ़ने, अगर उसको हम उपलब्ध नहीं कराएंगे तो फिर इसका आने वाला असर अभी नहीं, आने वाले 15-20 वर्षों में दिखने वाला है। तो ये थे गुजरात के हमारे यूथ दोनों लोग जो है दिलीप और तेजस, इन्होंने बताया कि कैसे गुजरात में बेरोजगारी और शिक्षा को लेकर क्या व्यवस्था है और क्या चीज़ें आपको जो है बड़े बड़े मंचों से कही जाती हैं उसमें आप फर्क देख सकते हैं क्या सच्चाई है जो यहाँ के लोग बता रहे हैं। लेकिन हाँ, दूसरी बात, आपने जैसे बोला कि मतलब कि सच्चाई, ये जो यहाँ की सच्चाई है ना, मतलब खाली यहाँ की जो लोकल मीडिया वहीं तक ही रह जाता है, आज तक कभी नेशनल मीडिया में गुजरात का मुद्दा आया ही नहीं है। मतलब इतने यहाँ पर इतने मुद्दे हैं ना, यही शिक्षक भर्ती का मुद्दा अगर दूसरे स्टेट्स में होता तो नेशनल मीडिया में रोड डिबेट होती, लेकिन यहाँ पर एक साल से आंदोलन चल रहा है, आज तक कोई भी नेशनल मीडिया में मुद्दा आया हुआ नहीं है। उस दिन जब घर्षण हुआ तो आज तक के अंदर आया, लेकिन जब मुख्यमंत्री 7500 की जाहरात किए तो ब्रेकिंग न्यूज चल रहा था कि गुजरात के अंदर 7500 शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। वो तो खाली मुँह से बोला था, फिर से लेटर आ गया, मतलब 7500 अब जाहरात आएगी और अब फॉर्म भरेंगे, ऐसा कुछ भी है नहीं। तो मैं जो बाकी मीडिया उनसे भी ये अपील करना चाहता हूँ, एक बार आप गुजरात के अंदर आकर यहाँ की हकीकत देखिए और लोगों को बताइए गुजरात कैसा है। मैं सर बात करूँ तो बड़े बड़े बैनरों में छपते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, मगर ये सिर्फ बैनर में ही होती है। जब हम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर से मिलने जाते हैं ना तो पहले से ही सचिवालय में वो उसके ऑफिस वहाँ मिलने जाते हैं, लोग आवेदन करने जाते हैं कि भर्ती कब होगी, एक ही क्वेश्चन हम लेने के लिए जाते हैं, मगर भर्ती कब होगी, कितनी होगी, कौन से विषय में होगी, ये हम फिक्स डेट दे दीजिए। मगर क्या करते हैं हमारे जो शिक्षा मंत्री है वो पहले से ही 400 से ज़्यादा पुलिस वाले को यहाँ पर रख देते हैं और सभी लोगों को घिसड़ घिसड़ कर गाड़ी में भर देते हैं। मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बाद में क्या करो, रोड पर घिसड़ लो, ये अभियान अभी चल रहा है गुजरात में। सच्चाई आप देख लो, विजुअल देख लो, बेटी को इस तरह घिसड़ा जाता है, लड़कों को ऐसे ऐसे घिसड़ रहा है और कितने को नाखून लग जाते हैं, मगर ये सब नेशनल मीडिया में नहीं आता क्योंकि यहाँ तक सीमित रहता है। कोई कोई मीडिया चलाता है, कोई कोई नई मुद्दे को दिखाता है, मगर मैं अपील करता हूँ भारतवासियों से भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, इसलिए कि क्योंकि हमारा मुद्दा है वो नेशनल में पहुँचेगा तो हमारी भर्ती होने वाली है। मगर रियल में देखने जाए तो गुजरात में कुछ नहीं है, बस आप पढ़ाई करो, टेट टाट दो, भर्ती के लिए पहले फॉर्म दीजिए, बाद में एग्जाम दीजिए, बाद में पेपर नहीं लीक होगा तो आपको भर्ती के लिए आगे क्या करना है, लीक होगा तो दूसरी बार दीजिए, और बाद में क्या करें, जब भी आपको नियुक्ति करनी होगी तब आंदोलन भी करना करता है, रैलियों निकालनी पड़ती है, नारे लगाने पड़ते हैं, यही गुजरात मॉडल की रियलिटी है। तेजस बता रहे थे कि जिस तरीके से यहाँ पे ये व्यवस्था होती है, वाकई में जो चीज़ें आपको दिखती हैं, एक कारण और लगता है तेजस की, जैसे गुजरात में जैसे आपने बताया ना कि गुजरात के बाहर चीज़ें नहीं जा पाती हैं, आप लोगों के संघर्ष यहाँ क्या समस्या है, आपने मीडिया को भी जो है उसमें बताया, मीडिया का क्या रोल है, आप लोगों के मुद्दों बाहर नहीं जाते। मुझे जो एक लगता है कारण
कि एक जो लैंग्वेज है जो गुजराती है, गुजराती में आप लोगों की जो बातें हैं हो सकता है कि अन्य स्टेटों में बाहर ना जाती। नहीं नहीं, अब ये बात नहीं, हिंदी लगातार हम लोग तो हिंदी में बोलते हैं ना, मतलब जैसे देखा जाए तो जो नेशनल चैनल है उसकी ब्रांच यहाँ पर है, ऐसा नहीं मतलब ब्रांच यहाँ पर नहीं, लेकिन अनदेखा करते हैं। जैसे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चैनल नाम नहीं लेना चाहता, मतलब कि उनकी ब्रांच रीजनल भाषा में भी है और हिंदी में भी है, अगर वो चाहे तो मुद्दा यहाँ से लेकर दिल्ली तक पहुँचा सकते हैं। उनको पता है कि मतलब प्रधानमंत्री जी का गृह राज्य है, गुरु मंत्री जी का गृह राज्य है, देश के बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ से है, तो मतलब ये चीज मुद्दा भारतवासियों के सामने नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो बड़े बड़े चैनल बड़े बड़े उद्योगपतियों के भी हैं, और जो मीडिया की जो भारतीय मिनिस्ट्री मीडिया की जो स्थिति है आप सच्चाई देख ही चुके हैं कि छात्र को घसीटा जाता है, महिलाओं को बच्चियों को घसीटा जाता है जब वो संघर्ष करती हैं, लोकतांत्रिक तरीके से वो धरना प्रदर्शन करती हैं, तब भी पहले से पुलिस आके जो है सैकड़ों पुलिस बैठी रहती है उनको हटाने के लिए, फिर भी पुलिस बैठी नहीं रहती। अगर जैसे मान लो कि अगर हम लोग आयोजन करें, मतलब हमको इस तारीख को गांधीनगर में जाकर धरना प्रदर्शन अपना विरोध करना है, तो 24 घंटे पहले ही पुलिस घर पे आ जाती है। बताइए, मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति की आजादी यहाँ पे बंधारण का कोई रोल नहीं बजा। दूसरी बात, जो हमारे साथ के दूसरे उम्मीदवार गांधीनगर में आते हैं, अगर आप जैसे गांधीनगर में बस स्टॉप उतरेंगे ना, वैसे आपके पीछे आईवी वाले आ जाएंगे, मोबाइल दिखाओ, पासवर्ड खोलो, कहाँ आए हो, किस लिए आए हो, मतलब उनको इकट्ठा होने नहीं देना, मतलब कि विरोध कर ही ना पाए पहले से उनको तोड़ फोड़ दिया जाता है। अगर मान लो बाई चांस इकट्ठा हो भी गए तो कैसे भी करके घसीट कर मार कर पीट कर गाली देकर कैसे भी करके उनको बस के अंदर भर के डिटेन करके 6 बजे तक रखना है, और जब 6 बजे का उनको शहर से बड़े बड़े मतलब कि कोई भी अननोन लोकेशन पर छोड़ देंगे, आपको यहाँ से अपने गांव जाना चले जाओ, आपको यहाँ से अपने गांव जाना चले जाओ, मतलब कि जो बंदा गांधीनगर बस स्टॉप पर आया था उसको छोड़ेंगे गांधीनगर से 20 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, आपको कोई भी सुविधा मिलेगी ना मिले, आप अपने तरीके से अपने घर चले जाओ। इस तरह का यहाँ पर युवाओं के साथ शोषण किया जाता है। इतना सब होने के बाद भी मेनस्ट्रीम मीडिया, भारतीय मेनस्ट्रीम मीडिया कवर नहीं करती है, इनको मुद्दों को दिखाती नहीं है, और जैसा कि ये लोग अपील कर रहे हैं कि दिखाया जाना चाहिए और ये चीज़ें बाहर भी जाएं, लोग जाने कि मुद्दों को लेकर जब जनता पब्लिक और युवा जब सड़कों पे होता है और अपनी बात रखता है, तब भी हमारी भारतीय मीडिया मेनस्ट्रीम मीडिया उस चीज़ को नहीं दिखाती है। हम जिस सरकार को चुने हैं उस सरकार से अपनी बात रखते हैं, वो सरकार भी जो है नहीं सुनती है, तो फिर आपके पास सारे विकल्प खत्म हो जाते हैं। लास्ट में एक मीडिया ही होता है कि जो आप अपनी बात पहुंचाएं, लोग जानें उसको कि क्या चल रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे गुजरात के हमारे दो युवा थे, दो साथी, उन्होंने बताया यहाँ के एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन सिस्टम और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप देख रहे थे द मुक नायक, मैं राजन चौधरी, धन्यवाद।